मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज आपको क्लास फाइव का ही चैप्टर वन वेरी लार्ज नंबर्स ये पढ़ाई होगा। फर्स्ट है डिजिट, इसमें वेरी लार्ज नंबर का फर्स्ट टॉपिक है डिजिट। डिजिट इज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। द नंबर सिस्टम विच वी फॉलो कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स। यानी डिजिट जो है ये आपको मैथमेटिक्स का बेसिक एलिमेंट है। नंबर सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं उसमें 10 ही डिजिट्स होते हैं। 10 डिजिट्स दैट इज 0 to 9। मेनली डिजिट्स आपको 10 है जो कि 0 to 9 ही है। यही आपको 10 यही डिजिट्स है आपको। सेकेंड है नंबर। ए नंबर इज अ वर्ड और सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन अमाउंट और क्वांटिटी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर जो है ये एक वर्ड है या सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी अमाउंट को, किसी क्वांटिटी को। नंबर जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो आप उनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। फर्स्ट होता है एक टाइप का काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स में आपको आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आपको जो भी इन्फिनिटिव आगे की तरफ नंबर है वो आपको काउंटिंग नंबर्स कहलाएंगे। होल नंबर्स यानी जब काउंटिंग नंबर में हम 0 को इंक्लूड करेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। इट इज 0 to infinity नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर आपको होल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आप नंबर का टाइप है फ्रैक्शन नंबर। 1/2, 2/3, 3/5, 7/9 एक्सेट्रा। दैट मीन्स आपको जो भी नंबर ए बाई बी के फॉर्म में हो, ए बाई बी मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो फ्रैक्शन नंबर का रहता है। इसके बाद है आपको न्यूमरल। अब ये न्यूमरल क्या है, डिजिट्स आप पढ़ चुके, नंबर पढ़ चुके, ये न्यूमरल फिर होता क्या है, व्हाट इज न्यूमरल। तो इट इज ए डिजिट और ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स व्हिच वी राइट टू रिप्रेजेंट अ नंबर। यानी जब हम बहुत सारे डिजिट या नंबर एक साथ कंबाइन करके लिखे तो उसको हम न्यूमरल बोलते हैं। यानी नंबर जो है न्यूमरल का ही एक पार्ट है, नंबर जो है वो एक न्यूमरल का ही एक पार्ट है। अब हम एग्जांपल न्यूमरल का 5840 या 720 या 25 या 30, यानी जो भी आपको डिजिट वन डिजिट या डिजिट का जब ग्रुप होगा तो वो न्यूमरल ही कहलाएगा। तो सिंपली नंबर इज अ टर्म ऑफ ए न्यूमरल एंड डिजिट ऑल्सो।